टू का पावर कहीं पे फाइव दिया हुआ है इंटू टू का पावर सेवन दिया हुआ है, तो दोनों जगह बेस क्या है सेम है, तो टू का पावर क्या बन जाएगा भाई, ट्वेल्व। तो आगे से कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है x का पावर क्या है भाई, 1 बाई टू का मतलब स्क्वायर रूट। ऐसे ही अगर क्यूब रूट ऑफ y हो तो इसको आप लिख सकते हैं y का पावर 1 बाई थ्री। क्या कॉन्सेप्ट सीखा है भाई कि अगर इक्वल टू के दोनों साइड बेस क्या हो सेम हो तो पावर आपस में क्या होते हैं इक्वल, यानी x प्लस 4 इक्वल टू 7, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। जो बेसिक की सीरीज हमने स्टार्ट की थी आप सभी लोग के लिए जिनको बेसिक्स में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उसमें करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस का मतलब क्या है, जैसे आपको मैंने स्क्वायर रूट समझाया था, क्यूब रूट समझाया था, जैसे पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक्स से रूल होते हैं तो हम रूल्स को देखेंगे, उसी के साथ एक एक दो दो एग्जाम्पल करेंगे। बाकी जो नीचे आपकी असाइनमेंट पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में आप उसको सॉल्व करें और आप देखेंगे कि आपको पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड या सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होगी, अगर आपने पहले के सारे लेक्चर्स लगाए होंगे जो बेसिक्स के चल रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 20 लेक्चर्स का ये पूरा सेशन होना है, इस 20 लेक्चर्स के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बेसिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूं आपका कि पावर एंड एक्सपोनेंट होता क्या है, तो सबसे पहले एक बात समझिए, जैसे कहीं अगर कोई नंबर लिखा गया है एक्स, अगर कोई नंबर लिखा गया है x, इसका मतलब ये है कि आपका जो x है इसका पावर जो है वो 1 क्या होता है आपका हिडन होता है। कोई भी नंबर अगर लिखा गया है और उस पर कोई पावर नहीं लिखा गया है तो उसका पावर क्या होता है हिडन होता है। इसका कोफिशियंट जो होता है 1 वो भी छुपा होता है और इसका साइन प्लस ये भी छुपा होता है, यानी एक नंबर के साथ इतनी सारी चीजें छुपी हुई होती है कि कोई भी नंबर लिखा गया है, वेरिएबल लिखा गया है तो उसका पावर क्या होगा भाई 1, पावर का मतलब जो ऊपर लगा हुआ है। इसका जो कोफिशियंट, कोफिशियंट का मतलब होता है उसके साथ जो नंबर लगा होता है वो क्या होगा 1, और जो साइन अगर कोई नहीं लगा हुआ है तो वो साइन क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर। अब इसमें सबसे पहला अगर मैं रूल की बात करूं तो ये कहता है कि अगर बेस सेम है, जैसे मान लीजिए एक्स हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे बेस, और इसका पावर हमने दे दिया m, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते समय पावर क्या हो जाते हैं भाई ऐड हो जाते हैं। जैसे यहां भी बेस क्या है x है, यहां भी बेस क्या है x है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी x का पावर बन जाएगा m प्लस n। एग्जाम्पल से इसको समझिए कि 2 का पावर कहीं पे 5 दिया हुआ है इंटू 2 का पावर 7 दिया हुआ है, तो दोनों जगह बेस क्या है सेम है, तो 2 का पावर क्या बन जाएगा भाई 12। क्लियर। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, 3 का पावर 1.5 है और 3 का पावर 2.5 है, तो 3 का पावर 1.5 प्लस 2.5 यानी हो जाएगा 4। पावर किसी भी फॉर्म में हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे 7 का पावर दे दूं मैं 1 बाई 2 इंटू 7 का पावर 1 बाई 2, तो आप सब लोगों को पता है कि 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो था आपका वो क्या था कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते समय पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर बेस सेम है, सेकंड देखते हैं,
अगर बेस सेम है तो डिवाइड करते समय पावर क्या हो जाते हैं भाई, माइनस हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करते समय पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। डिवाइड करते समय पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। यानी एक्स का पावर क्या बन जाएगा, एम माइनस एन। एग्जाम्पल लेते हैं, 4 का पावर कहीं 6 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 4 का पावर 3, तो फाइनली ये बन जाएगा 4 के पावर 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 कहीं दिया हो ऐसा। 7 का पावर 9 और डिवाइडेड बाई 7 का पावर माइनस 3, क्या दे दिया भाई, 7 का पावर 9 और डिवाइडेड बाई 7 का पावर माइनस 3। तो 7 का पावर ध्यान से देखिए, 9 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12। ये मत बोलने लगना कि सर आपने पावर को ऐड कर लिया, भाई ऐड नहीं किया, ये क्या था 9 माइनस माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आपको सिखा रखा हूं, यानी क्या बन जाएगा ये 12। क्लियर, ये हो गया सेकेंड रूल। थर्ड देखते हैं, अगर पावर का पावर है जैसे कुछ ऐसा, x का पावर m और इसका पावर हो गया n, ये क्या है भाई पावर का पावर है, तो आपको इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, यानी x का पावर क्या हो जाएगा m इंटू n। कैसे, एग्जांपल समझते हैं, 2 का पावर दिया हो 3, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 2 का पावर दिया हो 3 और इसका पावर दिया हो 6, तो आपको क्या कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई, 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18। क्लियर, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, 7 का पावर दिया हो 4 और इसका पावर दिया हो 1/2, तो आप देखिए 7 का पावर 8 मत लिख देना भाई, 4 इंटू 1/2, तो 2 से ये 4 कट जाएगा और 2 1 2, यानी 7 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये कुछ आपके बेसिक थे, जहां पे मैंने एक मल्टीप्लीकेशन बताया, एक डिवीजन बताया, एक पावर का पावर बताया। और कुछ लेते हैं क्वेश्चन आगे, अगर कहीं पे दिया हो किसी भी नंबर का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 1। किसी भी नंबर का पावर क्या हो, 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो 5 का पावर 0, तो इसका भी मतलब क्या हो गया, 1। कोई भी नंबर हो 2, 3, 5, इसका पावर 0 तब भी वैल्यू क्या होगी, 1। 196 इसका पावर 0 तब भी वैल्यू क्या होगी, 1। यानी किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हो गया आपका चौथा रूल। पांचवे पे आते हैं, अगर किसी का पावर निगेटिव है तो उसको रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लाना है और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लाना है। कैसे, एक्स का पावर मैंने लिख दिया -5, तो ये क्या हो जाएगा चुपचाप भाई (1/x)5। जैसे कहीं लिखा हो 2 का पावर -3, तो 1/2 का पावर 3। कहीं पे लिखा हो 1/5 का पावर -7, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 7। यानी अगर पावर माइनस में है तो आपको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में। जैसे कहीं लिखा हो 2/3 का पावर -5, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/2 का पावर 5। क्लियर, ये हो गया आपका नेक्स्ट रूल। मैं आपको हर रूल के साथ एक एक एग्जांपल भी बताते चल रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगला आते हैं हम लोग, अगर कहीं पे दिया होगा √x, ये समझने वाली बात है, क्या दिया हो भाई √x, तो x का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, x का पावर 1/2, यानी जो ये 2 यहां पे हिडन होता है इसको फ्रैक्शन में बना देना 1/2। आगे से कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है x का पावर क्या है भाई, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट।
ऐसे ही अगर क्यूब रूट ऑफ वाई हो तो इसको आप लिख सकते हैं वाई का पावर 1/3, कहीं पे फोर्थ रूट हो जेड तो इसका मतलब जेड का पावर 1/4। क्लियर? यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई भी रूट हो उसको लिखने का बेसिक तरीका यही है। क्लियर? इसके बाद से आते हैं, अगर इक्वल टू के दोनों साइड, जैसे एक्स का पावर एम इक्वल टू एक्स का पावर मैंने लिख दिया एन, तो इक्वल टू के दोनों साइड अगर आपका बेस सेम है, दोनों साइड बेस क्या है सेम है, तो पावर भी क्या होगा सेम होगा। यानी इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी n। ऐसा कब होगा? जब इक्वल टू के दोनों साइड बेस क्या होगा सेम होगा, तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं कहीं लिखूं 2 का पावर x बाई 4 इक्वल टू 2 का पावर लिख दिया मैंने 7। क्लियर? और आपसे यहां पे क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है भाई, कि अगर इक्वल टू के दोनों साइड बेस क्या हो सेम हो, तो पावर आपस में क्या होते हैं इक्वल। यानी x प्लस 4 इक्वल टू 7, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। क्लियर? यानी अगर दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर इक्वल टू के दोनों साइड पावर सेम हो, कुछ इस टाइप का, इक्वल टू के दोनों साइड अगर पावर सेम हो तो बेस सेम हो जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। ऐसे समझिए, अगर कहीं लिखा हो 2 का पावर 3 इक्वल टू के का पावर 3, इसका मतलब दोनों साइड पावर क्या है भाई सेम है, तो बेस सेम हो जाएंगे। यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। थोड़ा सा और समझते हैं, अगर कहीं लिखा हो 4 का पावर 4 इक्वल टू एक्स प्लस 3 का पावर 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा इक्वल टू के दोनों साइड पावर क्या है भाई सेम है, तो मेरा बेस भी क्या होगा सेम होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि x प्लस 3 इक्वल टू 4, तो यहां से x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1। क्लियर? चलिए कुछ चीजें और समझते हैं। ये कहां से आ गया, आइडेंटिटी बेस। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस। जैसे अगर कहीं पे दिया हो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, यानी इसके अगर मैं बेसिक की बात करूं, कहीं लिखा हो x का पावर m इंटू y का पावर m, तो इस बात को आप लिख सकते हैं एक्स वाई का पावर m। क्लियर? यानी अगर कहीं दो मल्टीप्लीकेशन हो और दोनों का पावर क्या हो सेम हो, तो आप बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पे है, तो आप इस बात को लिख सकते हैं 2, 3 या 6 का पावर 3। क्रॉस चेक कर लीजिए, 2 का पावर 3 का मतलब भाई 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 चौके 108, दुनी 216, और जो 6 का क्यूब होता है वो भी क्या होता है 216। ये चीजें किस में चलेगी, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, प्लस और माइनस में नहीं चलता है। मतलब x का पावर m प्लस वाई का पावर एम इक्वल टू, गलती से भी मत लिख दीजिएगा एक्स वाई का पावर एम, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। क्लियर? किसमें ये चीजें चलेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में, प्लस और माइनस में ये चीजें नहीं चल सकती। समझिए इसी एग्जांपल से,
जैसे यही दिया हो आपका 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3, मैंने पहले ही बताया कि इज नॉट इक्वल टू 5 का पावर 3। क्रॉस चेक करिए, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 27, कितना हो गया भाई 35, और 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो ये कुछ बेसिक से रूल थे आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस के, जो आप सब लोग को पता होना चाहिए, तभी आप आगे की क्लास जो रूट्स वाली है उसमें आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्लियर? तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक पूरी की पूरी असाइनमेंट्स पड़ी हुई है, जिसको आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड भी जो असाइनमेंट है उसको पूरा सॉल्व करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो भी अभी तक की कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का।